शिवपुरी में सेवानिवृत्ति पर अनोखे अंदाज में हुई माली की विदाई बग्गी में बिठाकर ले गए घर। नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा, सीएमएचओ सागर समेत नपा कर्मियों ने किया सम्मानित। शिवपुरी नगरपालिका से रिटायर हुए एक माली की विदाई और उसके सम्मान को देख लोग दंग रह गए। माली के रिटायर होने पर नगरपालिका हर कर्मचारी और अधिकारी, यहां तक नगरपालिका अध्यक्ष ने भी माली के विदाई समारोह में पहुंचकर उनका सम्मान किया। बता दें कि करण सिंह बाथम नगरपालिका में 1981 से बतौर माली के पद पर सेवाएं दे रहे थे। इसके कई वर्षों से उनके कंधों पर शहर के पार्कों की साफ सफाई और पेड़ पौधों के संरक्षण का जिम्मा था। बता दें कि स्वागत सम्मान के समय माली करण सिंह के साथ उनकी पत्नी और परिजन भी साथ थे। इसके बाद परिजनों ने माली करण सिंह को एक बग्घी में बिठाया, साथ ही उनकी पत्नी को भी साथ बग्घी में बिठाया गया। इसके बाद डीजे की धुन पर उन्हें घर की ओर ले जाया गया। बाजार में बग्घी में बैठे बुजुर्ग दंपत्ति और नाचते झूमते लोगों को देख कर हर कोई हैरान रह गया। आज आपका रिटायरमेंट हुआ है नगर पालिका से, जी कैसा लग रहा है आपको? वो बढ़िया लग रहा था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अधिकारी अध्यक्ष महोदय आ करके नगर पालिका में, हम 11 बजे भगने की सोच रहे थे कि चलो अपने चलें, हाल की आगत मारा कोई हो या ना हो चलो, हमने विचार कर रहे थे। पर हमको जब मैसेज पहुंचा स्थापना बाबू जी का कि सीएमओ साहब अध्यक्ष साहब आ रहे हैं, तुम आ जाओ, हम लेट हो गए थोड़ी, आए जैसे हमको सीएमओ साहब ने कहा, मैं 2 मिनट में आया, आ गए अध्यक्ष महोदय, आई हमारा सम्मान किया स्टाफ वालों ने, बड़ी खुशी की बात। नगर पालिका में आप सेवाएं दे रहे थे, बहुत अच्छी आपकी सेवाएं रहीं और अच्छा कार्य भी रहा था, कब से कब तक किया और अब आपको कितना समय हो गया? सन 1974 में कंडेंसी में था, 1974 से 80 तक मैं कंडेंसी में कार्य किया, मेरी उम्र कम थी तो मेरे को 86 रुपये प्राप्त होते थे नगर पालिका द्वारा, तो 1974 से लेकर मैंने 80 तक कच्छन में किया और परमानेंट 14/12/81 को परमानेंट हुआ और 14/2023 में मेरी सेवा समाप्त हो गई। जो मैंने सेवाएं की हैं नगर पालिका को, जितने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो थे हमको सब का लाड़ प्यार रहा, ऐसे ही मैंने जो आज प्रमाण पत्र दिए है ये करोड़ों की संपत्ति मानता हूँ, ऐसे ही मैंने प्रमाण पत्र एक एक दिन में 5-5 प्रमाण पत्र नगर पालिका से दे दिया। और आना में कोई भी मंत्री जी आए या कोई भी, तो मैंने 5-5 प्रमाण पत्र एक दिन में प्राप्त किए। मेरी लेबर अपनी जो सेना थी, पारक कर्मचारी मेरे पे थे, वो सेवाएं देते थे पूरी, पर क्या कर्मचारी कम होने के कारण तो भी अपने पूरे शहर के सांड कुत्ते बिल्ली चूना लाइनिंग एवं अतिक्रमण यही लेबर से अपने कार्य व्यवस्था करते हैं। और जो पार्कों की जो पार्षद महोदय हमसे कोई थोड़ी हो जाती है, ऐसी छिक-छिक होती थी कि करण सिंह यार हमको मना कर देता, सीएमओ साहब के आते थे, अध्यक्ष महोदय जी के आते थे, वो मेरी मजबूरी थी कि स्टाफ कम था, ऐसे सीएमओ साहब का फोन आ गया कि 5 आदमी वहाँ पहुँचा दो, किसी ने कहा 2 आदमी वहाँ पहुँचा दो, अध्यक्ष महोदय जी ने कही दीदी ने 2 आदमी वहाँ पहुँचा दो, आदमी थे मेरे पे 8 और काम बता दिया 16 को, तो उनको टोड़ मड़ उठता था, तो मुझसे पास लोग जो नाराज होता थे इसलिए नाराज ही नहीं मानते थे उसको, मेरे प्रेम से फिर मेरे को लाड़ प्यार भी थे। और आज मेरे को इतना भाग है कि कोई पार्षद जी मेरे को बुरा नहीं कहेंगे, जब अच्छा नहीं कहेंगे तो बुरा भी नहीं कहेंगे, मैंने सेवाएं दी हैं नगर पालिका में भरपूर और देता रहूँगा मेरी ज़िंदगी जब तक। मेरे को अब और क्या है कि नगर पालिका से जब मेरे को 86 रुपये मिलते थे, जब मैं ये सोचता था कि मेरे 2000 तनखा हो जाए वही बहुत, फिर 2000 रुपये मेरे 5000 हो जाए वही बहुत, एक समय वो आया मालिक का कि मेरी तनखा 55-56 हज़ार रुपये पहुँची, जो आज पेंशन 1000 रुपये रोज फिरती मिलेगी, तो मैं नगर पालिका में 3 सेट के नीचे पहुँच जाऊँगा जब तक मैं नगर पालिका का नौकर माना जाऊँगा, पति और पत्नी मेरे जो प्राप्त होगी मेरे को नगर पालिका की वेतन ही मानूंगा, मैं इसको पेंशन नहीं मानूंगा।